सोमवती अमावस के महत्व। नमस्कार मित्रों, मैं रमा अवतार आपका स्वागत करता हूँ। 21 अगस्त 2017 सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। सोमवार को होने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या और अघोरी चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। फिर भी हमारी संस्कृति के अनुसार इसका बहुत महत्व है। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन पूरे साल के लिए अनेक धार्मिक कार्यों के लिए कुश, जो कि एक प्रकार की घास होती है, को एकत्र किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि घास को एकत्र किया जाए तो पूरे साल इसका पुण्य लाभ मिलता है। किसी भी धार्मिक कार्य में इसके प्रयोग करना जरूरी होता है। शास्त्रों में 10 प्रकार की कुशों का उल्लेख मिलता है। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन इन 10 प्रकार की घास को एकत्रित कर लेना चाहिए। इस घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए और उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ न हो। सूर्योदय का समय ही इस कुश को चुनना उचित रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव से भूत प्रेतों को आज़ादी मिलती है, इसलिए बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे, रोशनदान और खिड़कियों पर इस दिन कांटेदार पौधे लगाते हैं। इसे अघोर चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन शनि देव और पितरों की पूजा से पाप कटते हैं। इस अमावस्या को पूजा पाठ दान जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या का हमारे पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है, जिनसे जीवन के समस्त कष्टों का निवारण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन निम्न उपाय करे तो निश्चित ही उनके जीवन में समस्त कष्ट दूर होंगे तथा पितृ दोष से मुक्ति भी मिलेगी। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः पीपल के वृक्ष के पास जाइए। उस पीपल के वृक्ष को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम भी उसी पीपल को अर्पित कीजिए। फिर पीपल और भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए। तत्पश्चात 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके शुद्ध रूप से तैयार की हुई एक मिठाई पीपल के वृक्ष को अर्पित कीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितृ की फोटो के सम्मुख कंडे की धुनी लगाकर पितृ को अर्पित करने से भी पितृदोष में कमी आती है। सोमवती अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा वस्त्र दान करने से पितृदोष कम होता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे पक्षी और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। ये पितृदोष दूर करने का उत्तम उपाय है। पितृदोष की शांति के लिए अमावस्या के अतिरिक्त भी प्रति शनिवार पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोले। वीडियो देखने का समय निकाला आपका बहुत ही धन्यवाद।